हेलो दोस्तों, तो आज मैं पहली बार जा रही हूँ एक खास जगह और इस ट्रिप के लिए बहुत उत्साहित हूँ। ट्रैफिक के कारण मैं बांद्रा नहीं पहुँच पाई, ट्रेन निकल गई तो मैं बोरिवली आई हूँ। ऐसे तूफानी स्टाइल में ट्रेन पहली बार ली है। हम बारिश और बिजली लेकर आए अपने साथ आबू रोड स्टेशन पे। तो अब हम पहुंच चुके हैं माउंट आबू। रात का 1 बज रहे हैं, बट वी आर इन हेवन ऑलरेडी। वीडियो को स्किप मत कर दिए, आगे तक देखते जाइए कि माउंट आबू में हम अगले 2 दिन के लिए क्या करेंगे। सो एंजॉय दिस ट्रिप विद अस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं आपको थोड़ा सा राउंड करा देती हूँ मैं कहाँ आई हूँ माउंट आबू। हम लोग आए हैं ब्रह्म कुमारी के खूबसूरत से आश्रम में। इंटरनेशनल सेंटर है उनका, तो वेरी ब्यूटीफुल। सुबह सुबह के शायद 7 भी नहीं बजे हैं और आप देख सकते हैं ऑडिटोरियम है वो वहाँ। ये देखिए पहाड़ों में। तो आई मीन माउंट आबू, क्योंकि मुझे यहाँ आज इनवाइट किया गया है और 10 बजे मेरा एक इंटरव्यू होने वाला है उनके चैनल के लिए। तो मिलते हैं जल्दी ही जब तैयार हो जाऊँगी। ये देखिए कितना सुंदर है बीच का एरिया ऐसे। एंड दिस इज द मेडिटेशन हॉल। तो मैं कैंपस से जा रही हूँ जहाँ मुझे पहुँचना है स्टूडियो में शूट के लिए। तो गाइस, ये जैसे मैंने बोला ब्रह्म कुमारी इसका इंटरनेशनल सेंटर है, बहुत पीसफुल है, माउंट आबू में है, बहुत प्यारी जगह है। और आप देखिए ढूंढते हमें कहाँ कहाँ जाना है। अबू रोड पे बसा ये ब्रह्मा कुमारीज का इंटरनेशनल सेंटर बहुत ही रम्य शांतिपूर्ण वातावरण प्रफुल्लित करता है मन को। आपको टूर दी रही हूँ आश्रम में, वॉक करते रहो, स्वस्थ रहोगे। टू मेन जा रही हूँ स्टूडियो जहाँ आज से शूट होना है। आने मजा आप सबको। जाने माने कलाकार राज सिंह वर्मा इस शो के होस्ट है और साथ में सतनाम कौर, बहुत से जाने माने कलाकार गायक सेलिब्रिटीज आ रहे हैं इस शो पे अपने लाइफ एक्सपीरियंस लेकर।
आज की शूटिंग पूरी हुई। ये ब्रह्मा कुमारीज के विविध चैनल्स पे आ रहा है एक शो जिसका नाम है मुस्कान। अलग अलग क्षेत्र से महिलाओं को बुलाया गया है, एक पैनल डिस्कशन, फिर एक पॉजिटिव कंक्लूजन। बहुत अच्छा, विमेन एम्पावरमेंट के लिए ही सीमित नहीं, सबको इस शो को देखना चाहिए। हमारी ऑनरेबल मैडम राष्ट्रपति जी ने इस शो को बहुत सराहा है। सुबह के 3:30 बज रहे हैं और हम लोग उठ चुके हैं। पीस पार्क की सैर के बाद हम ब्रह्मा बाबा जी के आश्रम गए, पांडव भवन और दादी जानकी के फार्म पे भी। वहाँ हमने मीठे स्ट्रॉबेरीज, शहतूत एप्पल खाया, फिर अच्छा सा भोजन किया और रात नीचे आबू रोड आ गए। उसके बाद दूसरे दिन हम तपोवन ऑर्गेनिक फार्म और सोलर प्लांट देखने गए। बहुत ही अच्छा महसूस होता है।
चिकू, कच्चे आम सब देखा और डिवाइन शिवलिंग भी रात को पहाड़ों के बीच बेस देवी मंदिर गए और वहां टेरेस पे गरबा किया, मस्ती में नाचे। एनर्जी लेवल एकदम हाई होती है और मन एकदम शांत। थोड़ी सी शॉपिंग की याद के लिए व्हाइट लखनऊ कुर्ते खरीदे और निकल गए वापसी मुंबई की ओर। राज सिंह वर्मा, शुक्रिया, आपने इतनी देवियों को माउंट आबू के दर्शन कराए, हमारे सारथी बन गए। शिखा दी, बीके, आपके आभारी है, बहुत सारा प्यार। आज ये हमारा यहाँ आखिरी दिन। हे गाइस, तो आज मेरा माउंट आबू रोड के ब्रह्म कुमारी में आखिरी दिन है और बहुत मज़ा आया, बहुत फ्रेश हो गए। आज तो इतनी बारिश हुई है कि पूरा मौसम ठंडा हो गया, वैसे ही ठंडा है। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीलॉग बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब स्पिरिचुअल जगह पे आप कहीं जाते हैं तो आपकी एनर्जी दुगनी होती है। जो हमारी शिखा दीदी है उनके लिए मैं कुछ मीठा लेकर जा रही हूँ। तो आज रात की हमारी ट्रेन है, कल पहुँच जाएंगे फिर से मुंबई। मिलते हैं जल्दी मुंबई में, तब तक के लिए। ओके, गुड। तो थोड़े टाइम के लिए गई थी, 5 दिन के टूर से वापस आ गई हूँ माउंट आबू से। एंड आई होप जो जो हमने वहाँ किया वो सब वीलॉग में आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं शीघ्र ही नए वीलॉग में। दे नीड माई अटेंशन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।